नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से BH सीरीज नंबर प्लेट वाहनों के लिए लागू किया जाना है 15 सितंबर 2021 से, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी कि BH सीरीज नंबर प्लेट क्या है और इससे वाहन मालिकों को क्या लाभ होगा तथा इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से वाहनों के BH सीरीज नंबर प्लेट्स का नियम लागू किए जाने की घोषणा की गई है और यह नियम जो है नए वाहनों पर 15 सितंबर 2021 से लागू कर दिया जाएगा और इस नियम के तहत जो है लागू हो जाने पर पुराने वाहनों के जो मालिक है अपनी इच्छा के अनुसार BS सीरीज के नंबर प्लेट्स वाहन पर लगाने के लिए आवेदन कर सकेंगे और इस BS सीरीज नंबर प्लेट के आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा आवेदन इसका। और इस दरअसल जो है नौकरी पेशा लोगों को वाहन खरीदे गए राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना होता है अभी तक, और इसके अतिरिक्त रोड टैक्स भी एडवांस में देना होता है, फिर वाहन खरीदे गए राज्य के RTO कार्यालय में पहले जमा किए गए वाहन के रोड टैक्स की राशि वापस प्राप्त करने के लिए भी आवेदन करना होता है और दूसरे राज्य में जो जहाँ नए राज्य में ट्रांसफर हुआ है वहाँ पर फिर से वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन का फीस एडवांस में जमा करना होता है। इन सब प्रक्रियाओं से की असुविधा से नागरिकों को छुटकारा देने के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए जो है केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा BS सीरीज नंबर प्लेट के नए नियम को शुरू किया गया है और इस नियम को 15 सितंबर 2021 से देश में लागू कर दिया जाएगा। तब आप जो है वाहन मालिक इस अपनी इच्छा के अनुसार इस BS सीरीज नंबर प्लेट अपने वाहन पर लगाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस BS सीरीज नंबर प्लेट वाहन पर लगाना अनिवार्य नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार इसको लगवाया जा सकता है। और अब जो है वाहनों के लिए नए नियम BS सीरीज नंबर प्लेट लागू होने से वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वाहन खरीदते समय एक बार 15 वर्ष का रोड टैक्स जमा करने के बाद मिलने वाला जो BS सीरीज नंबर है वो हमेशा के लिए देश की किसी भी राज्य में मान्य होगा और अब दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर जो गाड़ी का वाहन प्लेट को बदलवाना नहीं पड़ेगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने की झंझट से जो है मुक्ति मिल जाएगी। और अभी तक जो है वाहनों के नंबर प्लेट पर राज्यों के कोड के दो अक्षर से जैसे UP, HP, MP, DL आदि गाड़ी नंबर की शुरुआत होती थी, किंतु BS सीरीज नंबर प्लेट पर अंकित नंबर होगी उसकी शुरुआत जो है वाहन रजिस्ट्रेशन वर्ष के अंतिम दो नंबर से शुरू होगी। जैसे यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2021 है तो नंबर प्लेट पर वाहन रजिस्ट्रेशन के वर्ष के अंतिम दो अंक जो है यानी 21 लिखा होगा और फिर उसके बाद जो है भारत सीरीज यानी BH लिखा होगा, भारत सीरीज कोड के रूप में दो अक्षर BH लिखे होंगे और इसके बाद जो है नंबर लिखे होंगे वाहन के और उसके बाद जो है अंत में फिर से अक्षर लिखा होगा। तो इस प्रकार से जो है BS सीरीज नंबर प्लेट जो है अभी तक वाहन के नंबर प्लेट से अलग होगा और इसके BS सीरीज नंबर प्लेट के लिए जो है ऐसे कार्यनिजी अथवा सरकारी कार्यालय के कर्मचारी जिनके ऑफिस जो है उसके कार्यालय एक चार राज्य से अधिक राज्यों में है आवेदन करने के लिए पात्र होंगे
और पीएस सीरीज नंबर प्लेट वाहनों पर लगवाना अनिवार्य नहीं होगा। जो नागरिक चाहे वो अपने इच्छा के अनुसार पीएस सीरीज नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन कर सकता है। और निजी सरकारी कर्मचारियों के वाहन जिनके कार्यालय 4 या से अधिक राज्य में हैं, निजी अथवा सरकारी, वो अपने वाहन पर जो है पीएस सीरीज नंबर प्लेट लगवा सकते हैं, ताकि उनका जो है ट्रांसफर दूसरे राज्य में जब होता है तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने के झंझट से मुक्ति मिल सके। और सभी सरकारी अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वाहन जो है पीएस सीरीज नंबर प्लेट के आवेदन के लिए पात्र होंगे, और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वाहन और रक्षा कर्मियों के वाहन, सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन और संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन और निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन जो है बीएस सीरीज नंबर प्लेट लगवा सकेंगे, लगवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। और बीएस सीरीज नंबर प्लेट रोड टैक्स नियम भी पहले से भिन्न होंगे, तो इसके लिए जो है अभी तक वाहन मालिकों को नए वाहन की खरीद पर 15 वर्ष के रोड टैक्स का भुगतान एकमुश्त करना होता था, किंतु नए मोटर यान नियम 2021 के अनुसार वाहन पर बीएस सीरीज नंबर प्लेट लगवाने पर रोड टैक्स भुगतान का विकल्प दिया जाएगा, जिसके अनुसार जो है पहले 2 वर्ष का रोड टैक्स देना होगा और इसके बाद दूसरे वर्ष से 2 के गुणांक में रोड टैक्स देना होगा, यानी दूसरे वर्ष जो है आपको 4 वर्ष का रोड टैक्स जमा करना होगा और तीसरे वर्ष 6 वर्ष का रोड टैक्स जमा करना होगा। इसी प्रकार करके 15 वर्ष के रोड टैक्स का भुगतान करना होगा, और इस प्रकार वाहन के 14 वर्ष पूरे होने के बाद रोड टैक्स का भुगतान जो है वार्षिक आधार पर करना होगा, जो पहले वसूले गए वाहन कर की राशि का आधा होगा, यानी जो आप रोड टैक्स 15 वर्ष का जमा किए हैं उसकी आधी राशि 15वें वर्ष किससे आपको जो है पूरा होने के बाद से आपको जमा करना होगा वाहन के रोड टैक्स के रूप में। और 10 लाख रुपए की लागत वाले वाहन के लिए 8% रोड टैक्स देना होगा, और 10 लाख से 20 लाख तक के वाहनों के लिए 10% रोड टैक्स देना होगा, और 20 लाख से ज्यादा मूल्य के वाहनों के लिए 12% रोड टैक्स देना होगा, और डीजल से चलने वाले जो वाहन होंगे उनके लिए 2% अधिक रोड टैक्स देने का नियम निर्धारित किया गया है, और इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो वाहन है उनके लिए 2% कम रोड टैक्स देना होगा उन्हें। और इस प्रकार से जो है बीएस सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी, और इसके लिए जो है बीएस सीरीज नंबर प्लेट के आवेदन 15 सितंबर 2021 से जब नियम लागू हो जाएगा तभी कर सकेंगे। और आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी करने के लिए आपको गूगल वेब ब्राउजर से morth.nic.in यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा, तो इसके लिए morth.nic.in क्लिक कर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये विकल्प आएगा morth.nic.in, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये पोर्टल खुल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, इसके अंतर्गत आपको रोड ट्रांसपोर्ट विकल्प पर कर्सर रखेंगे तो ये गैजेट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, तो इस विकल्प पर क्लिक करके आप जो है ये अधिसूचना जो जारी की गई है नए मोटर यान नियम 2021 इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और जब ये अधिसूचना जो है लागू कर दी जाएगी ये नियम, तो आप जो है इस पोर्टल से दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म आपको भरना होगा, और फॉर्म भरने के बाद जो है अपने दस्तावेज के रूप में अपने
जिस भी कार्यालय में आप काम करते हैं वहाँ के लेटर हेड पर आपको जो है घोषणा पत्र लिखवा कर जो है हस्ताक्षर करवाना होगा कि ऑफिस कार्यालय की ओर से कि आपके जो ऑफिस का कार्यालय है वो चार राज्य से अधिक राज्यों में है, चार या उससे अधिक राज्यों में है। और लिखवाने के बाद जो है उसके आप जो है प्रारूप यहाँ से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके अंतर्गत जो है GSR रिगार्डिंग IN सीरीज यानी भारत सीरीज, BS सीरीज या IN इंडिया सीरीज फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड डिफाइनिंग प्रिंसिपल, इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल। और इसको जो है स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नियम के तहत कौन कौन क्या क्या नियम है। और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से ये आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म भरने के बाद जो है इसमें अपने ऑफिस जिस भी कार्यालय में आप रोजगार करते हैं, आप कर्मचारी हैं जिस भी कार्यालय के, वहाँ का प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना होगा, एम्प्लॉयमेंट ID आपको इसमें अपलोड करना होगा और फॉर्म जमा करने के माध्यम से आवेदन करना होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है BS सीरीज नंबर प्लेट ऑनलाइन अप्लाई करके अपने वाहन पर लगवा सकेंगे। तो अभी नियम 15 सितंबर 2021 से लागू होगा, उसके बाद जो है आवेदन की जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।